हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या हैं और कैसे काम करते हैं? हम हमारी डेली लाइफ में हमारे आस पास कुछ छोटी कुछ बड़ी मशीनें देखते हैं, जैसे पाइप रेंचर, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर सेट्स, छोटे छोटे मशीनों में लगे हुए कुछ पार्ट्स। सिंपल सी आपके घर पर लगी हुई घड़ी ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। आपका फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ़ोन एट्सेट्रा, ये सब आपके आसपास स्पेस में, यूनिवर्स में जगह घेरते हैं। सो एनी एलिमेंट दैट इज़ फिजिकल विच ऑक्यूपाई स्पेस इन यूनिवर्स और विच वी कैन फील एंड टच इज़ हार्डवेयर। सिंपल शब्दों में कहें तो फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स किसी भी मशीन के या कंप्यूटर के, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, सीपीयू या सीपीयू के अंदर लगे हुए छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स, मॉनिटर या फिर स्पीकर, ये सभी हार्डवेयर हैं, टेंजिबल हैं, फिजिकल हैं। अब सोचने की बात है, क्या ये हार्डवेयर कैसे काम करता है? क्या प्लायर अपने आप काम कर लेता है? क्या स्क्रू ड्राइवर सेट अपने आप ही स्क्रूज को टाइट या लूज करता है? ये सब मैकेनिकल पार्ट्स हैं। नहीं, इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलती है हमारे ब्रेन से, हमारा ब्रेन सिग्नल देता है हमारे हैंड को और हमारा हैंड काम करता है। इसी तरीके से जूसर, मिक्सर मशीन, नॉब होती है, नॉब की हेल्प से हम स्पीड जो है वो कंट्रोल करते हैं। आप अपने घर पे रिमोट यूज़ करते हो, रिमोट से आप वॉल्यूम अप डाउन करते हो या चैनल चेंज करते हो और आपके टीवी में अकॉर्डिंगली वो काम होता है। तो रिमोट से कमांड या इंस्ट्रक्शन दी गई टीवी को और टीवी ने उसके अकॉर्डिंग काम किया। यानी कोई भी मशीन काम तब करती है जब उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। एनी थिंग दैट टेल्स हार्डवेयर वॉट टू डू एंड हाउ टू डू इज नॉन एज सॉफ्टवेयर। कोई भी चीज़ जो किसी भी हार्डवेयर को ये बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इंक्लूड्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस ऑफ योर फोन एंड सो मैनी वीडियो गेम्स, ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं। नाउ थिंग इज, एक प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस तो हमने बता दी क्या है, अब इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स मशीन को समझाने के लिए वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो इंटर रिलेटेड है, एक तरीके के टास्क करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल, गूगल क्रोम नेट चलाने के लिए, आपकी व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स आर वेरी डिफरेंट बट दे ऑल्सो नीड वन अनदर इन ऑर्डर टू फंक्शन। बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक फ़ोन है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं, क्या वो काम करेगा? नहीं। उसी तरीके से आपके पास सिर्फ ऐप हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, पर वो क्या काम करेंगी बिना हार्डवेयर के? नहीं, उन्हें कमांड देनी होगी किसको? हार्डवेयर को। तो वो दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन में पहले कीपैड आते थे, आप कीज टच करते थे हार्डवेयर, लेकिन उसके नीचे लगे होते थे कुछ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सेट कि किसी भी की पे प्रेस करते ही किस तरीके का जो सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।